पॉजिटिव फाइंडिंग यस वही है। हाँ जी बताएं क्या वही है। सिंगल चैम्बर पेसमेकर किस चैम्बर में? एट्रियल और वेंट्रिकल। तो अगर आपको समय ना आ रहा हो कि कहाँ पे है तो आप किस तरफ जाना पसंद करेंगे? अच्छा चलो जी वेंट्रिकल के अंदर आगे चले। functioning normally loss of pressure तो नहीं है ना? okay loss of pressure है yes। now come to the point जहाँ पर हमेशा फंसते हैं sensing over pressure ठीक हो गया। यहाँ पे pressure की spike की जरूरत थी? नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं नहीं थी ना। अच्छा यहाँ जरूरत यहाँ से कैप्चर नहीं किया। सो देयर आर टू प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन कैप्चर भी है और अंडरस्टैंडिंग वाले इशू। हां वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गया। तो जब आपको कैप्चर का मसला भी मिल रहा हो और आपको अंडरस्टैंडिंग का मसला भी मिल रहा हो कौन सी बात फौरन आपके दिमाग में आनी चाहिए? लीड डिस्कशन। दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग जो कि आप रोजाना अच्छा पहले नहीं तो आज से आपने जरूर देखना है। जब भी आपको लगे कि जी इसकी तो पीपीएम लीड ले गई है तो आप उससे इसी चीज करा के देखें आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। जी पेस रिदम है वेंट्रिकुलर पेसिंग अप्रोप्रिएट है? नहीं पेसिंग हो रही है ओवर सेंसिंग हो रही है। ओके बिल्कुल सही पेसमेकर मैग्नेटिक मैक्स। सो सो एवरीबॉडी एग्रीज की ओवर सेंसिंग है। व्हाट वाज द कांसेप्ट ऑफ ओवर सेंसिंग? कि वो चीजों को भी सेंस करेगा पेसमेकर जिनको सेंस करने की जरूरत थी जैसे नॉइज है ठीक है और उस नॉइस को समझेगा कि ये तो क्यूआरएस आ रहे हैं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है मैं पेस नहीं कर रहा तो मैं पेस नहीं कर रहा तो इसी चीज के ऊपर आपको बेसिक स्पाइक नहीं मिलेगी। सो वी हैव अ पेसिंग स्पाइक और कैप्चर और वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पे नहीं भी बेसिक स्पाइक आनी चाहिए नहीं है। ओके फिर आई सो द पेस मेकर इज लुकिंग एट समथिंग जो कि इसी चीज पर रिजल्ट नहीं है क्योंकि वो इतना लो फ्रिक्वेंसी है कि इसी चीज का फिल्टर उसको नहीं पिक करेगा। एंड दिस इज व्हाट इज ओवर सेंसिंग जिसको इसी भी पिक नहीं कर रही उसको पेस में के पिक कर इतना सुपर सेंसिटिव हुआ। तो दिस इज एक्चुअली ओवर सेंसिंग व्हिच लीड्स टू अंडर पेसिंग। आपको पेसिंग स्पाइक यहाँ आनी चाहिए थी यहाँ आनी चाहिए थी आपको नहीं मिल रहा। क्लियर? अभी भी किसी को समझ नहीं है तो आई एम रेडी टू गो अगेन। What are the causes of oversensing? Lead dislodgement. तो अभी मैंने आपको बताया कि low frequency sounds होंगे। अब आपने वो सारी causes में वो सारी बातें डालती हैं जो low frequency sound sound produce कर सकते। वो क्या क्या है? हंसना। Yes. Electromagnetic. इसको आप technical word क्या है? Myoprotection. और कॉट्रिक टेक्निकल वर्ड क्या है? EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। यू आर गोइंग टू यूज दिस टू थ्री वर्ड्स ठीक है सर। रेगुलर इट शुड बी ऑन द पर्टिकुलर बीट। हां सॉरी मतलब आप पीछे में वो रेगुलरिटी अच्छा ये वाला थर्ड मतलब ये वाला आई डोंट नो रेड मार्क ने क्यों लगाया। I don't know why this red mark here. I was expecting this to be on the chain. क्योंकि expected जगह ये है basic spike आने की next. Yep. तो इस वक्त आपको irregular इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ basic spike आनी थी जो कि आई नहीं।
और वो क्यों नहीं आई, क्योंकि वो किसी ऐसी चीज़ को सेंस कर रहा है यहाँ पर जो कि एक्चुअली क्यूरियस कॉम्प्लेक्स नहीं है, दैट कैन बी अ हायर पोटेंशियल। ठीक है जी, इंसुलेशन ब्रेक, इंटरमीडिएट लीड फ्रैक्चर, हायर पोटेंशियल, EMI, PVCs और सॉल्यूशन क्या है? ओवर सेंसिंग है, इस वाले पर दीवार आपकी नीचे है, आपके नंबर कम है, आपने नंबर बढ़ाने हैं, ये सब सही हो जाएगा। हाँ जी, सर चले गए, मैं पूछना था सब क्लोज यहाँ से बन रहा है या लाहौर से बन रहा है, क्योंकि अगर लाहौर से बन रहा है तो फिर ये आपको आना चाहिए, अगर यहाँ से बन रहा है तो मैं स्किप कर दूँ। नहीं 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 You will get some of the hints और आपको समझ आ जाएगी गेम के बारे में। फिर अगेन टेकी गाड़ी चलता रहा, दोबारा शॉक हुआ, थ्री शॉक। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर समझ में नहीं आ रहा ATP कहाँ कहाँ स्टार्ट हो रही है, बट ओके लेट्स गो, ओके आपके स्लाइड्स हैं, थ्री शॉक, ओके लेट्स स्टार्ट। ये क्या पी वेव? साइनस, PQRS, 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 PVC, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉलिंग ऑन द टी वेव, सो आर टी फिनोमेना हुआ, उसके बाद ये रेगुलर हो गया और उसके बाद ये एक आर्टिफैक्ट है हमारे पास, और उसके बाद फिर ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, फिर एक आर्टिफैक्ट है हमारे पास, फिर ये चलता जा रहा है, फिर एक आर्टिफैक्ट है, और इसके बाद क्या हुआ, PQRS, 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 ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये था, ये तो बात समझ आ गई यहाँ पर, और ये भी समझ आ गया क्या है R1T leading to V2, दिस इज द आर्टिफैक्ट जो प्रोड्यूस होता है जब आप पेशेंट को शॉक देते हैं। ठीक है, और हिंट क्या है, यहाँ पे इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, सो इफ यू कैन अप्रिशिएट, एक्चुअली ये कुछ नंबर देखे हैं और साथ ब्रैकेट में जे है, आमतौर पर कुछ ना कुछ हिंट देते हैं। ठीक हो गया, तो ICD ने क्या किया, इसको पिक किया, एनालाइज किया, डिसाइड किया कि VD है और शॉक दे दिया, बट द VD गोज ऑन, अगेन उसने एनालाइज किया, थोड़ा टाइम लेता है एनालाइज करने में ना, और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि भाई अभी भी VD ही है, उसने सेकंड शॉक दे दिया, उसके बाद फिर उसने दोबारा उसको एनालाइज किया, उसने तीसरा शॉक दे दिया, और तब सक्सेसफुल रिवर्ट हो गया वापस साइनस रिदम। ये फाइंडिंग्स आपने सलीस इंग्लिश के अंदर लिखे थे ताकि एग्जामिनर को भी समझ आ जाए। ओके, व्हाट इज द डायग्नोसिस? ठीक है, डायग्नोसिस क्या हो गया? डेफिनेशन ऑफ विटी स्ट्रॉन्ग, तो बस यही तो चाहते थे हम, डेफिनेशन है कि 24 घंटे में तीन हो गए तीन या तीन से ज्यादा। ठीक, रेडी? हाँ जी, Who is going to tell me? Yeah, normal.
This is absolutely normal. और कैसे पता लगा कि नॉर्मल है? सो फॉर दोज हु डू नॉट नो कि हम क्या करते हैं जब हम ईपी स्टडी करते हैं, वी पुट वन कैथेटर इन द राइट एट्रियम, वन कैथेटर इन द राइट वेंट्रिकल, वन कैथेटर एट द बंडल ऑफ हिस एंड वन कैथेटर इन द कॉरियस साइनस। जो राइट एट्रियम कैथेटर है उसका काम क्या है कि जब भी इम्पल्स राइट एट्रियम से गुजरेगी वो अपने लाइन के ऊपर एक स्पाइक ड्रॉ कर देगा, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है एच आर ए, जो कि आप हाई राइट एट्रियम में रखते हैं, जैसे ये स्पाइक आ गई, इट मीन्स कि अभी यहाँ से करंट गुजरा है, ओके। और जो राइट वेंट्रिकल में आप कैथेटर रख रहे हैं, जैसे ही राइट वेंट्रिकल में आपका करंट गुजरेगा उसको पिक करेगा और आपको मॉनिटर पे शो कर देगा, जैसे ही शो है। सो दीज आर जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस व्हिच यू आर वाचिंग ऑन द मॉनिटर, और आपको ये डिसाइड करना होता है कि इनमें से कौन सा राइट एट्रियम को शो कर रहा है और कौन सा राइट वेंट्रिकल को शो कर रहा है। उसका एक तरीका तो ये है कि आपके पास यहाँ लेबल दिया हुआ होगा कि यहाँ पे एच आर ए लिखा हो, और दूसरा इसका तरीका क्या है, द एट्रियल सिग्नल मीन्स एट्रियल डीपोलराइजेशन। सो व्हाट यू सी ऑन द ईसीजी व्हेन यू हैव एट्रियल डीपोलराइजेशन, पी वेव, तो आपके पास जो सर्फिस ईसीजी शो की है इसमें आप देखेंगे पी वेव कहाँ पर है। इफ दिस इज द पी वेव, तो इसमें से कौन सी चीज पी वेव के साथ कोइंसाइड करेगी? एचआर, इट मींस दिस इज एचआर, ये आरए का सिग्नल है, ये आरबी का नहीं है। And the same goes with QRS. Yeah, we got it. Clear? और in between इसका सिग्नल आएगा। His की खूबसूरती ये है कि जब आपके electrical impulse RA से AV node में जाएगी और bundle of his में जाएगी, ये उस current को भी show करता है। जब वो current bundle of his से गुजरे उसके लिए अलग spike देता है, और जब वहाँ से गुजर के RV में enter होता है उसकी spike भी देता है। So on his you have for every cardiac cycle you have three spike spectrum. The first one correlates with the P wave, so this is A. The last one correlates with the QRS, this is V. और A और B के दरमियान AV node bundle of his है, तो अगर यहाँ पर कोई आपको सिग्नल मिल रहा है वो bundle of his हो सकता है, A H B, सिंपल है। Now comes the real thing. What are findings? ये स्पाइक सही शो हो रही है उसके अंदर डॉक्टर में देखा? जी सर। शो? क्योंकि बाद में फिर वो जैसे उसमें एक्सरे के अंदर प्रॉब्लम हो रहा शोर्ट बी ए टेक्निकल गिव मी योर फाइंडिंग्स एपी टेस्टिंग वेरी गुड सेकंड वेरी गुड आगे चलिए Let me go through it. No, he is going technology. So for any tracing, आप इससे पहले काम क्या करना है, आप ये देखें कि AV synchrony maintain हो रही है या नहीं।
इसमें नहीं हो रही फॉर फॉर दोस परमिस एफसीएस और कार्डियोलॉजी एग्जाम जो मोस्टली आपके पास ड्रेसेस आती हैं वो ये आती हैं नंबर वन यू डिवाइडेड एज ब्रेडी रिथमिया टेकी सो इफ यू आर गोइंग फॉर ब्रेडी रिथमिया तो आपके पास जो ए वी ब्लॉक्स हैं दीज आर दी मोस्ट कॉमनली आस्क्ड और ब्रेडी रिथमिया के अंदर भी जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड हैं वो मोबिल साइड वन मोबिल साइड टू एंड कंप्लीट हार्ट तो कितने कितने हो गए एक तो तीन मोबिल साइड वन मोबिल साइड टू कंप्लीट हार्ट तीन हो गए टेकी कार्डिया के अंदर नैरो कॉम्प्लेक्स कार्डिया और वाइड कॉम्प्लेक्स कार्डिया अगर नैरो कॉम्प्लेक्स कार्डिया है तो उसमें दो चीज़ें नंबर वन एवियन आर्टरी नंबर टू ऑर्थोट्रोमिक एवियन आर्टरी तीन पहले वाले और दो पांच वाइड कॉम्प्लेक्स कार्डिया के अंदर डीटी और एंटीट्रोमिक एवियन आर्टरी पांच और दो सात इसके बाद अगर कोई चीज़ पूछ सकते हैं तो क्या पूछ सकते हैं एफएफ और फ्लटर कितने हो गए नौ इन नौ में से दो आएंगे और ये पकेट के मार्क्स ये एच आर ए ठीक है जी ये इतना बड़ा स्पाइक जो कि नीचे से रेक्टेंगुलर है दिस इज द बेसिक स्पाइक व्हेन यू हैव दिस टाइप ऑफ थिंग तो आप फौरन सोच रहे हैं कि ये बेसिक स्पाइक है हम ईवी स्टडी जब करते हैं तो हम क्या करते हैं हम स्ट्रेस देते हैं जिस तरह आप एमरजेंसी में एट्रोपिन लगाते हो स्ट्रेस देते हो रेट बढ़ाते हो तो व्हाट वी डू हम बेसिक स्पाइक उसकी फेस कर देते हैं उसको स्ट्रेस देंगे तो अगर आप एटीएम से प्रेस करोगे तो आपके पास इस तरह का सिग्नल आएगा और अगर वो कैप्चर करेगा तो साथ एक और चीज़ भी आपको जो कि स्ट्रेट लाइन जैसी नहीं होगी लेकिन अब बिट डिफरेंट होगी समटाइम्स एक और बिल्कुल क्रिकेट स्पाइक आती है समटाइम्स लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं दिस इज शोइंग कैप्चर्ड ए दिस इज दी बेसिक स्पाइक और उसका ए ये बना ओके जब ये ए बनेगा I have to take the magic off, so I will be back after 5 minutes.